Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पंजाब के मसीहाओं की बेहिसी का एक और वाकया। रायवन के बाद गंगाराम अस्पताल के बाहर भी खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। इंतजामिया ने हमला खातून को दाखिल करने से इनकार किया। रिश्तेदारों का इल्जाम। पंजाब में अस्पतालों की हालत इजार पर मजीद सवालात खड़े हो गए। आज न्यूज की खबर पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का गंगाराम अस्पताल के बाहर बच्चे की पैदाइश का नोटिस। डायरेक्टर इमरजेंसी गंगाराम अस्पताल मौतल। वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को फौरन तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रायवंड में हमला खातून को दाखिल करने से इनकार पर शहबाज शरीफ का एक्शन। मरीजों के लिए दर्द सर बन गया। अस्पताल से मौतल अमला चला गया, मरीजों की देखभाल करने वाला कोई नहीं। खादिम आला अमले को मौतल करें, लेकिन नया अमला भी तो तैनात करें, शहरियों का मुतालबा। शेखुपुरा में डॉक्टर की संगीन गलती। बच्ची के अपेंडिक्स का ऑपरेशन के बजाय खुराक की आंत काट दी। तालिबा की हालत गैर, शिकायत पर लवाहिकीन को धमकियां। इस तरह से हमारा निजाम इंसाफ में चल रहा है, शर्मिंदगी के हमें कुछ नहीं। नवाज शरीफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में भी मुलजिम करार। साबिक वजीर आजम पर गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के नुमाइंदा जाफिर खान का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ 2007 से 2014 तक कैपिटल FZE कंपनी के चेयरमैन रहे। नवाज शरीफ ने GIT में कंपनीज के शेयर होल्डर होने का एतराफ किया। नवाज शरीफ के असासों का इंतजाम हसन नवाज संभालते थे। 1989 और 90 में हसन और हुसैन नवाज वालिद की जेरे कफालत थे। फर्द जुर्म का मतन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का शेड्यूल तब्दील। अब लंदन से 23 अक्टूबर को PIA की परवाज 758 से लाहौर रवाना होंगे। 24 अक्टूबर की सुबह 8 बजे लाहौर पहुंचेंगे। इमरान खान के मौके पे तब्दीली की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर दे। इमरान खान नाअहली केस में हनीफ अब्बासी की इस्तदा। गलत बयानी पर इमरान खान पर आइन का आर्टिकल 62(1)F लगाने की गुजारिश। पाकिस्तान की मईशत तेजी से बहाल हो रही है। पाकिस्तान ने तंजीम में फाल किरदार अदा किया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तुर्की में G8 सरबरा इजलास से खिताब। कराची में खवातीन पर हमले करने वाला कौन गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। DIG ईस्ट ने सेनेट कमेटी में कहा था कि वसीम कभी कराची आया ही नहीं। कराची पुलिस की अदालत को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक वसीम एक माह कबल कराची आया था। DIG ने कमेटी को गुमराह किया या पुलिस ने अदालत को। कोहाट में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। पुलिस ने असलहे से भरा ट्रक पकड़ लिया, दो मुलजिमान गिरफ्तार।